morning, students. I hope all of you are fine and purchased your books from your school, because all of the books are available in your school and your syllabus is starting now. We have completed our first chapter and now we are starting the second chapter. In second chapter, we studied natural calamities in your book. This is the chapter 12. So please open your books and keep quietly. And listen what I taught to you about this chapter. Now the chapter is about natural calamities. Natural means prakritik, calamities means aapdaen. मतलब प्राकृतिक आपदाएं. हमारा नेचर जो है प्रकृति, वो बहुत सारी चीज़ें करती है, कंस्ट्रक्टिव भी और डिसकंस्ट्रक्टिव भी. कंस्ट्रक्टिव जो बनाने वाली चीज़ हो, डिसकंस्ट्रक्टिव मीन्स बिगाड़ने वाली चीज़. तो सीज़न चेंज होना, दिन रात होना, बारिश होना, मौसम का चेंज होना, ठंड लगना, गर्मी लगना, इवेपोरेशन होना, कंडेंसेशन होना, प्रेसिपिटेशन होना, ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज. डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ लाइक अर्थक्वेक, भूकंप होना, ज्वालामुखी फटना, बाढ़ आना, सुखाड़ हो जाना, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में आती हैं. इनसे हमें नुकसान होता है. तो जो भी ऐसी चीज़ें लाइक डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ जिससे हमारे लाइफ को और प्रॉपर्टी का लॉस होता है, उसे हम नेचुरल क्लाइमिटीज़ या डिज़ास्टर के नाम से जानते हैं. अब हम नेचुरल क्लाइमिटीज़ और डिज़ास्टर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, सुनामी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे. तो पहला टॉपिक है आपका अर्थक्वेक. अर्थक्वेक में अचानक से, अर्थक्वेक जो होता है वो हमारे अर्थ पृथ्वी पर अचानक से आता है और कुछ समय के लिए ही आता है बिना बताए, जिससे बहुत सारी हानि हो जाती है हमारे अर्थ पे. हमारे धरती के अंदर जो कंपन होता है और जो मूवमेंट, शेकिंग मूवमेंट हो जाता है, उसे हम अर्थक्वेक का नाम देते हैं. अर्थक्वेक आने से हमारे बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, ये सारे फट जाते हैं, गिर जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पुराने पेड़ उखड़ के गिर जाते हैं. ये सब अर्थक्वेक के कारण होता है. जितनी ज़्यादा हमारे अर्थ के अंदर कंपन होगी, उतना ही ज़्यादा हमारे अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड होगा, मतलब उतने ही जोर का भूकंप आएगा और विनाश करके चला जाएगा. हमारा अर्थ जो है वो 7 प्लेट्स पे टिका है. वो ऐसे प्लेट्स हैं जिसपे हमारे ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो सिचुएटेड हैं. इन 7 प्लेट्स को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है. ये मोल्टन लेयर के नीचे हमारे अर्थ का जो लेयर है, क्रस्ट, कोर एंड मेंटल, ये मेंटल लेयर के नीचे होता है. जब भी इस लेयर में कुछ मूवमेंट होता है या एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, तो हम इसे अर्थक्वेक का नाम देते हैं, क्योंकि इसमें एक जर्क पैदा होता है और उस जर्क को हम अर्थक्वेक का नाम देते हैं. जिस जगह हमारा जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो मूव करता है, जिस पॉइंट पर, उसे हम फोकस बोलते हैं. और फोकस के ठीक ऊपर का जो सरफेस होता है उसे हम इपिक सेंटर बोलते हैं. एक ऐसा एरिया जहाँ अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा विनाश उसी जगह होता है. अर्थक्वेक का असर बहुत जगह फैलता है, लेकिन जहाँ आता है उस जगह ज़्यादा फैलता है, उसे हम इपिक सेंटर बोलते हैं. अब है कि इस अर्थक्वेक से हम बचे कैसे. अर्थक्वेक से बहुत सारी हानिकारक चीज़ें हो जाती हैं. तो अर्थक्वेक से बचने के बहुत सारे तरीके हैं. जिसे अगर अर्थक्वेक आए, जब हमें महसूस हो कि हमारे धरती के अंदर कंपन है, तो हम अपने बिल्डिंग से या गाड़ियों में हैं तो उससे बाहर चले जाएं. अगर इलेक्ट्रिकल पोल्स के बगल में हैं तो उससे दूर खड़े हो जाएं. बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जहाँ हम सेफ ना हों उससे दूर हो जाएं. बिकॉज कई अर्थक्वेक आने पर बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, इलेक्ट्रिकल पोल्स भी गिर जाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत पुराने पेड़ जो होते हैं, बड़े बड़े पेड़, वो भी गिर जाते हैं. तो इससे बहुत सारी डिस्ट्रक्टिव चीज़ें होती हैं जिससे हमें भी बहुत ही नुकसान हो सकता है. इसलिए हमें अर्थक्वेक के समय एक खाली स्पेस पे होना चाहिए. आपके बुक में भी एक लाइन दी हुई है, आइडेंटिफाई सेफ स्पॉट्स इन योर स्कूल एंड होम्स वेयर यू कुड मूव टू व्हेन यू फील द फर्स्ट टर्मर. आपको अपने स्कूल और घर में अगर हैं तो आप एक ऐसी जगह ढूंढ लीजिए जहां भूकंप आने पे आप जाकर बच सकते हैं. अगर आप किसी बिल्डिंग के अंदर हैं तो उस बिल्डिंग में आप ध्यान दें कि आप किसी खिड़की के बगल में ना हो, दरवाजे के बगल में ना हो, और जहां भारी चीज़ें रखी हों उसके आसपास अपना.
अगर आप भाग नहीं पा रहे हैं तो आप उस बिल्डिंग में या ऑफिस में कोई ऐसा टेबल या कोई ऐसा बेड ढूंढें जिसके नीचे आप जाकर छिप सकें। अगर आप आपको एक आएगा तो अगर छत गिरती है तो बहुत जोर का आपको एक आएगा तो बिल्डिंग्स गिरने लगती हैं, तो उस बिल्डिंग गिरने में क्या होगा कि वो बिल्डिंग्स के जो कुछ पार्ट्स गिरेंगे वो आपके टेबल पे या आपके बेड पे ही गिर कर या अटक कर रह जाएंगे, जिससे आप अंदर बिल्कुल सेफ रहें। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्ट फाइल। एक फैक्ट फाइल दिया है, हम उसे पढ़ेंगे। ऑन अप्रैल 25, 2015 ए सेवर अर्थक्वेक अकर्ड नियर द कैपिटल ऑफ नेपाल काठमांडू। बहुत ही करीब की बात है, लाइक ऑन 25 अप्रैल 2015, बहुत पुरानी बात भी नहीं है लेकिन हाँ 5 ईयर्स पुरानी है। तो 25 अप्रैल 2015 को एक अर्थक्वेक आया था, जो कहाँ आया था, नेपाल में। नेपाल में कहाँ, उसके कैपिटल काठमांडू में। द अर्थक्वेक ऑल्सो सो सर्व डैट इट सुक मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। आया तो था अर्थक्वेक काठमांडू में, लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स को इफेक्ट कर गया था। मोर देन 10,000 पीपल डाइड एंड थाउजेंड्स गॉट इंजर्ड, मेनी ओल्ड मॉन्यूमेंट्स ऑफ काठमांडू गॉट डिस्ट्रॉय। करीब 10,000 से ऊपर लोग मर गए थे और हजारों लोग घायल हो गए थे। हमारे काठमांडू का जो भी पुराना मॉन्यूमेंट्स था, जो भी स्मारक थे, वे सारे भी डिस्ट्रॉय खत्म हो चुके थे, गिर गए थे। फिर एक और टॉपिक दिया है अर्थक्वेक का, ऑन January 26, 2001। ये तो बहुत पुरानी बात, लाइक 20 ईयर्स, बिकॉज ये 2001 की बात है, वो भी 26 जनवरी। ए हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हिट भुज इन गुजरात। एक बहुत ही ज़्यादा भारी भूकंप आया था हमारे भुज में, जो कहाँ है, गुजरात में। चिल्ड्रन वेयर इन स्कूल दैट डे बिकॉज ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। सारे बच्चे अपने अपने स्कूल में थे क्योंकि उस दिन क्या था, रिपब्लिक डे था। मैनी स्कूल चिल्ड्रंस वेयर अमंग्स 20,000 पीपल दैट डाइड इन द अर्थक्वेक। बहुत सारे स्कूल के बच्चों के साथ साथ बहुत सारे लोग थे, लाइक 20,000 पीपल्स, मतलब 20,000 लोग करीब उस अर्थक्वेक में मर गए थे। मेनी अदर्स वेर सेवरली इंजर्ड व्हेन दे ब्यूरीड इन द रबल फ्रॉम द कोलैप्सिंग बिल्डिंग्स। और बहुत सारे हजारों लोगों को, लोग जो है वो घायल हो गए थे, जिनको कब बाद में निकाला गया, फिर भी बिल्डिंग गिर गई थी। जब भूकंप शांत हुआ तो उन्हें बिल्डिंग्स के टुकड़ों को हटा हटा कर उसके नीचे से निकाला गया था। तो ये अर्थक्वेक हमारे अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल होता है, हमारी लाइफ के लिए भी, हमारे प्रॉपर्टीज़ के लिए। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट टॉपिक वोल्केनिक इरप्शन, फ्लड, ड्रॉट, ये सब हम कल पढ़ेंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू फेयर योर वर्ड मीनिंग्स, बिकॉज योर वर्ड मीनिंग्स आर गिवन टू यू एंड देयर मीनिंग्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड टू यू। सो प्लीज़ डू देयर फेयर। थैंक यू।